मैंने मंगवाया स्टीमडी बॉक्स चिली स्वीट थाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं बाहर घूमने फिरने के लिए। ऐशीन कह रही थी, काफ़ी दिनों का कह रही है कि आपने मुझे बर्थडे का गिफ्ट नहीं दिया, तो मुझे KFC खिलाओ। तो हो सकता है जाते हुए हम KFC पर गए, और कुछ कपड़े वगैरह लेके जाना है हमने अम्मी के घर, क्योंकि कपड़े हमने वहाँ पर धोने हैं। हमारे घर में तो वाशिंग मशीन हो चुकी है ख़राब, इसलिए शाजिया ने ये नहीं कहा कि वाशिंग मशीन सही करवा दो, उसने कहा कपड़े ही अम्मी के घर धो लेंगे। साल हो गया साहब आपको कहते हुए। तो वाशिंग मशीनें तीन पड़ी हुई हैं, तीनों खराब हो गई हैं, तीनों सही करवाने वाली हैं। तो आज ले आना ना फिर उनसे। वो उधर ही पड़ी हुई हैं हमारे ससुराल, तो आज मैं वहां से एक मशीन लेके आऊंगा। एक तो हमारे पास घर भी पड़ी है, वो भी खराब हो गई है, वो सही थी। हमारे घर में जो खराब हो जाती है ना चीज, हम वो वहां पर दे आते हैं, और फिर जो सही होती है वो ले आते हैं। दरअसल इसलिए दे के आते हैं क्योंकि अबू कबाड़िया का काम करता है ना। हां, इस वजह से कोई नई चीज मिल जाए या हम नई ले लें, तो वो फिर हम घर में रख लेते हैं, जो खराब हो जाती है वो वहां पर छोड़ आते हैं। तो वहां पर एक पड़ी हुई है सही मशीन, आज मैं वो लेकर आऊंगा और ये जो वहां पर छोड़ आऊंगा। केविन भी नहा धो के रेडी हो गया। चलो केविन, एक्सपेरिमेंट कर सारी नेल पेंट के अंदर ये लोशन लगा के। ना लोशन लगा, सारी नेल पेंट के अंदर मिक्स करके लोशन लगा रहा है। नेल पेंट भी जाया कर रहे हो, लोशन भी जाया करोगे। ये सारी महंगी चीजें हैं, इनको जाया ना करो। ये देखो कि इतनी सारी नेल पेंट रखी हुई है, सबको मिक्स करके उसमें लोशन मिक्स करने लगा है। एक्सपेरिमेंट की कैमरन भाई नेल पेंट और लोशन का जो है वो आपस में एक्सपेरिमेंट करने लगा है कि क्या बनता है उसको मिक्स करने से। और ये देखो एशलिन रेडी हुई है, कह रही मुझे KFC खिलाओ, बर्थडे का गिफ्ट, कह रही KFC दो। चलो फिर KFC भी खा लेते हैं वहाँ पे बैठ के, अगर टाइम मिला तो, ना मिला तो फिर घर मंगवा लेंगे। अगर मिल जाए ज्यादा बच्चों को लेके हमारे लिए ले आए। ये दीदी आ गई है, इसको बगैर निकली थी पिजमी, पिजमी से कर दी खाने जा रहा। तो अभी हम निकलने लगे हैं KFC की तरफ, रास्ते में KFC आता है, उसके बाद जाएंगे अम्मी के घर अगर KFC खाना हो तो। पहले अम्मी घर जाना, बाद में KFC जाना। मैं कह रहा हूँ KFC खिला देता हूँ, कह रही पहले अम्मी के घर जाना, KFC को छोड़ो गोली मारो। चलो आ जाओ फिर अम्मी के घर चले। चलो मेरा कोट पकड़ो, ये कोट पकड़ लो, मफलर ले ले। हाँ ये वाला ही दे दो। हाँ, KFC पे हम लोग आ चुके हैं, तो मैं अभी खड़ा हूँ ऑर्डर काउंटर पर, यहाँ से कुछ खाने के लिए ऑर्डर करता हूँ। तो मेरे से पहले दो तीन आदमी खड़े हुए हैं, अभी मेरा नंबर आता है तो मैं ऑर्डर कर देता हूँ। ऑर्डर वगैरह मैंने कर लिया है, तो स्लिप शासी हाथ में पकड़ के देख रही है। एशली ना मैं लेके आई है, ऑर्डर हमने कर दिया है, ये हमारा टोकन नंबर पड़ा हुआ है, अभी वेट कर रहे हैं, अभी खाना आ जाएगा। तो फाइनली हमारा खाना आ गया है, ये देखें हमने मंगवाया स्टीमडी बॉक्स और ये है चिली स्वीट थाई। एशलिन की पसंद का सारा कुछ। ओबर साहब ने भी शुरू कर दिया काम, बाबा भी खाने लग गए बोटी और चिप्स। मजेदार, बहुत मजा। क्या कह रही है दीदी? हाँ मजा आ रहा है। ये दीदी की बर्थडे का गिफ्ट है, जो रह गया था बर्थडे पे, गिफ्ट नहीं दिया था। शाजिया तो भाई फुल हो गई है, वो कह रही मैंने हाफ भर का खाना है। मजा आ रहा है, बहुत मजा आया। हाँ पहले सोच रहे थे बड़ा फैमिली फेस्टिवल ले लें, अंदर तो पड़ी होगी, मम्मा ने खा ली। तो फाइनली गाइस हमने KFC खा लिया, बड़ा मजा आया गर्मो गर्म खाने के बाद। तो अभी हम जा रहे हैं अम्मी के घर, तो बच्चों को पूछते हैं इनको कैसा लगा है।
कैसा लगा आप लोगों को? बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। मैच काम अच्छे से, मैं तो ऐसे ही मैंने कहा मैंने कौन सा ज्यादा, चलो जबरदस्ती ले आए। ये बस एशली लेके आई है हमें। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। ये देखो दीदी, मुझे तो नहीं आया मजा। दीदी की कोल्ड ड्रिंक है, मैंने पी ली ना थोड़ी सी, इसलिए दीदी कह रही मुझे मजा नहीं आया। चलो आइसक्रीम भी अभी हम नेक्स्ट जाएंगे ना, फिर आइसक्रीम खिला दूंगा। जब हम KFC से बाहर निकले तो बच्चे बार बार KFC की तरफ देख रहे थे। ऊपर देख रहे थे कि सेकंड फ्लोर पे क्या है, यहाँ पर तो बच्चों के लिए प्ले लैंड है। प्ले लैंड को फिलहाल क्लोज कर दिया गया। नहीं ऊपर नहीं है, बंद किया हुआ है ऊपर। तो अभी आगे हैं हम अम्मी लोगों के घर। शाजिया ने यहाँ पर कुछ कपड़े वगैरह धोने हैं, इसलिए हमारी मशीन खराब है, तो कल मैं सही करवाऊंगा। आज तो टाइम बहुत ज्यादा हो गया। हाँ जी, आगे मम्मी का बता रही, बड़ा मजा आया। तो शाजिया ने कपड़े धोने शुरू कर दिए। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग घर आ चुके हैं। शाजिया ने कपड़े वगैरह भी धो लिए थे, काफी देर हम वहां पर बैठे गप्पे शप्पे लगाई, बहुत ज्यादा मजा आया। तो अभी शाजिया कपड़े स्पिनर तो हुए नहीं थे वहां पे, तो अभी साथ ही ले आए गिले गिले, यहाँ पर भी डाल दिए। और केवन अपने कजनों से मिलकर बहुत खुश हुआ है। आज केवन ने कटिंग शटिंग भी करवा ली अपनी, सुबह स्कूल जाना है, सुबह मंडे है। और सुबह मैं लेकर आऊंगा मशीन, उसको सही करवाते हैं मैकेनिक के पास, उसको दे के आऊंगा मशीन, कल फिर सही करवा लेते हैं। वो बड़ी टेंशन होती है ना, सर्दी आ गई, उसमें कपड़े स्पिनर वगैरह करने होते हैं, सूखे नहीं जल्दी। अभी बच्चों के यूनिफॉर्म भी धोए हैं, तो अगर सुबह तक ना सूखे तो फिर बड़ा मसला होगा। ये मैंने सुबह सुबह धो लेने थे, वो सुबह लाइट चली गई थी। तो अब कल जो है ना, मैं अपनी जो वॉशिंग मशीन है उसको सारा जो भी वायरिंग शेयरिंग उसकी होने वाली है सारी करवाऊंगा, उसको सही करवा के फिर घर ला के रखते हैं। तो अभी टाइम हो चुका है तकरीबन रात के 11 बज गए हैं, तो चाय शाय हमने पी ली है, खाना तो हमने खा लिया था KFC से। तो अभी सोने का टाइम है, ब्लॉग को फिर इधर ही करते हैं एंड। उम्मीद है आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मजीद ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलते रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अपने नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।